78वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर शिमला के रिज मैदान पर जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने शिरकत की, ध्वजारोहण किया। इस मौके पर पुलिस, होमगार्ड, ट्रैफिक पुलिस, एनसीसी, एनएसएस, स्काउट एंड गाइड और पुलिस और होमगार्ड बैंड की टुकड़ियों ने भव्य मार्च पास्ट किया। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने देश के स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करते हुए कहा, हिमाचल प्रदेश वीर सपूतों का प्रदेश है, देश में अपना लोहा इन वीर सपूतों ने मनाया है। ऐसे में केंद्र सरकार हिमाचल की अपनी हिमालयन बटालियन स्थापित करे। आज का ऐतिहासिक एवं गौरवमय दिन हमें उन सब की याद दिलाता है जिनकी बदौलत आजादी हासिल हुई है। इसलिए आजादी के लिए संघर्ष करने वाले वीर सपूतों एवं नायकों को हम नमन करते हैं। देश की विकास यात्रा पर नजर डालें तो भारत एक बड़ी शक्ति बनकर दुनिया के सामने खड़ा है। हिमाचल प्रदेश देवभूमि के साथ साथ वीर भूमि भी है। प्रदेश के वीर जवानों ने अपने अदम्य साहस, पराक्रम एवं बलिदान के लिए देश भर में अपना सिक्का कायम किया है। याद रहे कि देश का पहला परमवीर चक्र राजा के वीर सपूत मेजर श्री सोमनाथ शर्मा ने हासिल किया था। कैप्टन धन सिंह थापा, कैप्टन विक्रम बत्रा और सूबेदार मेजर संजय कुमार ने अद्भुत पराक्रम दिखाकर परमवीर चक्र की श्रेणी में अपना नाम दर्ज हासिल किया। हिमाचल अब तक 4 परमवीर चक्र हासिल करने वाला प्रदेश है।